कपाट खुलने के अवसर पर धाम में मौजूद रहे 20,000 भक्त। मंदिर के कपाट खुलते ही पूरी केदारपुरी जय बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठी। कपाट खुलते ही बाबा केदार के त्रिकोणीय आकार के स्वयंभू लिंग को दी गई समाधि को हटाया गया और विधिवत पूजा शुरू कर दी गई। आज सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवास से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार के डोलों को मंदिर परिसर की ओर लाया गया, जिसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के बीच मंदिर के कपाट खोल दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद धाम में मौजूद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। धाम में मौजूद श्रद्धालु पारंपरिक नृत्य कर बाबा केदार की भक्ति में खोए दिखे। केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। दोनों ने पूरे विधि विधान से बाबा केदारनाथ की पूजा की। सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा, आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिजनौर की नजीबाबाद पुलिस ने स्टेशन रोड पर चलने वाले एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान 9 लड़के और 5 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। ग्रेटर नोएडा में रात में सड़कों पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। कार सवार दबंग हाथ में हथियार लहराते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। गाड़ी का नंबर भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मानो दबंगों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में पिता पुत्र को संदिग्ध हालत में गोली लग गई। दोनों को ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल शख्स का कहना है कि गांव का ही कोई शख्स उसे गोली दे रहा था, जिसका विरोध करने पर सिरफिरे ने उसे गोली मार दी। मथुरा में एक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिस शख्स के साथ महिला रहती थी उसी ने हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। गाजीपुर के शरपुर गांव में 27 अप्रैल को हुई युवक की गला काटकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा, उधार के रुपए के लेनदेन को लेकर आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्या के आरोपी संदीप ने बद्रे आलम नाम के शख्स से 1,00,000 रुपए उधार दिए थे, जो बढ़कर 4.5 लाख हो गए थे। हरदोई में कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। सूचना पाकर एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। यूपी के हाईटेक जेलों में शुमार। डासना की जिला जेल में एक पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। कांस्टेबल ने पंखे से लटक कर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।